सॉरोपोड डायनासोर पृथ्वी के इतिहास में जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े प्राणी थे। इन प्राणियों में कुछ तो ऐसे खासियत रहे होंगे जो इनको इतना बड़ा बनाते थे। तो सबसे पहले तो इनको अपने लाइफ में कुछ ज्यादा ही बड़ा बनना था, नहीं मतलब लिटरली सॉरोपोड्स के अंडे कुछ खास बड़े नहीं होते थे और उनके बच्चे भी काफी छोटे होते थे, और बच्चों को लाइफ में बहुत ही धमाकेदार ग्रोथ से गुजरना पड़ता था वैसा विशाल बनने के लिए। इनके बच्चों का वजन हजारों गुना बढ़ जाता था और बच्चा लाइफ में 100 गुना लंबा हो जाता था। इंसानों के लिए ऐसा होता तो एक 20 इंच का छोटा बच्चा बड़ा होकर 166 फीट का हो जाता। इतना ज्यादा बड़ा होने के लिए सॉरोपोड्स को चाहिए था खाना, बहुत सारा खाना, और इसीलिए उनके शरीर में ऐसी खूबियां थी जो उन्हें कंटिन्यूअसली खाना खाने में मदद करता था। और जब आपको इतना सारा खाना बस निगलना ही है तो चबाने में इतना टाइम वेस्ट क्यों करे। इसीलिए सॉरोपोड्स में चबाने वाले दांतों का विकास हुआ ही नहीं, बदले में उनके विशाल पेट में खाना बहुत अच्छी तरह से फर्मेंटेशन होता था। चबाना बंद तो इसका मतलब चबाने के लिए मसल्स की भी जरूरत नहीं, इसीलिए सर भी छोटे साइज के, और छोटे सर की वजह से गर्दन भी काफी लंबा हो सकता था ताकि उन्हें ऊंचे ऊंचे पौधों के पत्ते भी खाने में मिल जाए। और ऐसे ही सॉरोपोड्स अपने साइज बढ़ाने लगे और विलुप्त होने तक वो बहुत सारे विशालकाय प्रजातियों में विकसित हुए। ये बहुत सारे अंडे देते थे ताकि बच्चों के जिंदा रहने का चांस ज्यादा हो, और फिर बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते थे आसपास के शिकारियों से बचने के लिए। उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट था, आज के पक्षियों की तरह उनके पास फेफड़ों के अलावा एयर सैक्स भी थे ताकि ऑक्सीजन को ज्यादा अच्छे से शरीर में इस्तेमाल किया जा सके, और उनके खोखले हड्डियां इतने बड़े वजन को सपोर्ट करने में काम आते थे। कुल मिलाकर सॉरोपोड डायनासोर के पास परफेक्ट खूबियां थे उस समय के सबसे बड़े जानवर बनने के लिए। जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े स्तनपाई भी अर्जेंटिनोसॉरस जैसे विशालकाय सॉरोपोड्स के सामने बिल्कुल छोटे लगते हैं। पर अब इस वीडियो में हम नजर डालेंगे कि कौन सा सॉरोपोड डायनासोर कितना बड़ा था और इनमें से कौन था जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा प्राणी। और यहाँ बड़ा का हिसाब वजन के ऊपर होगा, लंबाई के ऊपर नहीं। हम शुरू करेंगे 40 टन के आसपास और आगे बढ़ते चलेंगे तब तक जब तक हम 100 टन से भी ज्यादा वजन के प्राणियों के पास नहीं पहुंच जाते। सबसे पहले है 40 टन की वजन को लेकर रेबैचिसोरस गैरस बे। ये अफ्रीका में रहने वाला एक डिप्लोडोकिट सॉरोपोड डायनासोर था जो लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहता था। कई सारे फेमस डायनासोर के साथ एक ही पर्यावरण में ये रहता था। इसका पड़ोसी थे कैरकैरोडोंटोसॉरस और स्पाइनोसॉरस जैसे मांसाहारी डायनासोर्स। सुपरसॉरस विवियनी का वजन करीब 40.3 टन था, मगर ये सबसे लंबे डायनासोर्स में से एक था। ये जुरासिक पीरियड में उत्तरी अमेरिका में रहता था और ये भी डिप्लोडोकिडे परिवार का डायनासोर था। डिप्लोडोकिडे परिवार के बारे में मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा बताया था, आप लोग जरूर देख लेना। ब्रैकियोसॉरस अल्टाइथोरैक्स का वजन था करीब 42 टन। ये है बहुत ही जाना पहचाना डायनासोर जिसका नाम बच्चे बच्चे भी जानते हैं। ब्रैकियोसॉरस जुरासिक पीरियड में नॉर्थ अमेरिका में रहता था और जुरासिक पार्क मूवी में हम सब ने इसे देखे हैं। अगर जुरासिक पार्क में दिखाया गया ब्रैकियोसॉरस असल में ब्रैकियोसॉरस नहीं था, और इसके बारे में मैंने इस वीडियो पर बात किया है, आप लोग देख लेना जरूर। इसके बाद है रुयांगोसॉरस जाइगेंटियस अपना 44 टन वजन लेकर। ये चाइना से खोजा गया एक टाइटेनोसॉरिड सॉरोपोड डायनासोर है और इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। फिर आता है अफ्रीका से जिराफा टाइटन, जिसे पहले लोग गलती से ब्रैकियोसॉरस समझते थे 1991 तक। इसका वजन भी 44 टन का है और बर्लिन म्यूजियम में इसका स्केलेटन पृथ्वी में सबसे ऊंचा माउंटेड स्केलेटन है। इसके बाद 44.5 टन वजन लेकर आता है सॉरोपोसाइडन प्रोटिलिस, जिसका नाम दिया गया है समुद्र और भूकंप का ग्रीक देवता पोसाइडन के नाम के बाद। करीब 59 फीट ऊंचा यह डायनासोर पृथ्वी के इतिहास में शायद सबसे ऊंचे डायनासोर में से है, सबसे ऊंचा जिराफ से भी 3 गुना ऊंचा। ये क्रिटेशियस पीरियड के पहले भाग में नॉर्थ अमेरिका के ट्रॉपिकल जंगल और दलदली इलाकों में रहता था, और इसके बच्चों को बच के रहना था खूनखार शिकारी एक्रोकैंथोसॉरस से, मेमेंचिसॉरस जिंगियानेंसिस। चाइना से खोजा गया एक विशालकाय सॉरोपोड है। 45 टन वजन का इस सॉरोपोड का गर्दन बेहद लंबा था, पूरा शरीर का आधा लंबाई सिर्फ गर्दन का ही था। बीजिंग म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में आपको इसका स्केलेटन देखने को मिलेगा। 45 टन का टूरियासॉरस रियोडेवेंसिस यूरोप से खोजा गया सबसे बड़े डायनासोर में से एक है। ये डायनासोर जुरासिक पीरियड में रहता था।
और अपने पर्यावरण के बाकी छोटे छोटे डायनासोर पर बहुत हंसता था। फ्रांस से खोजा गया फ्रैंको पोसाइडन को अब भी साइंटिफिकली डिस्क्राइब नहीं किया गया है, पर इसका फीमर हड्डी का जो फॉसिल मिला है उससे किया गया साइज एस्टिमेट्स के मुताबिक ये डायनासोर 47 टन का है और करीब 27 मीटर लंबा है। यूरोप का सबसे बड़ा डायनासोर होने का हकदार ये भी है। ड्रेडनॉटस आता है इसके बाद अपने 47 टन वजन लेकर। अर्जेंटीना से खोजा गया इस सॉरोपोड का नाम बहुत कूल है, ड्रेडनॉटस, मतलब जो किसी से नहीं डरता। अब एंट्री हो रहा है 50 टन वालों का। ब्रैकियोसॉरस का एक अनजान प्रजाति के फॉसिल्स नॉर्थ अमेरिका के यूटा से मिला है। ये पहले बताया गया प्रजाति ब्रैकियोसॉरस ऑल्टाइथोरेक्स हो सकता है, पर साइंटिस्ट पूरी तरह से श्योर नहीं है। इसका वजन 50 टन के आसपास था। नोटोकोलोसस का वजन थोड़ा सा ज्यादा था, 50.1 टन। इसके फॉसिल्स भी अर्जेंटीना से ही मिला है और ये उन गिने चुने सॉरोपॉड्स में से है जिसके पैर के उंगलियों के हड्डियां काफी अच्छी तरह से प्रिजर्व पाया गया है। पैरालिटाइटन स्ट्रोमेरी पहले वाले से बस 100 किलोग्राम ज्यादा था। ये अफ्रीका का सबसे बड़े डायनासोर्स में से है। क्रिटेशियस पीरियड में ये सॉरोपॉड एक मैनग्रोव पर्यावरण में रहता था जो काफी कूल है। 50.5 टन का विशालकाय एंटार्क्टोसॉरस जाइगेंटियस के फॉसिल्स पाए गए हैं। जी हाँ, सही सोचा आपने, साउथ अमेरिका से। इसका पिछला पैर का फीमर हड्डी सॉरोपॉड्स में से सबसे लंबा है। एलामोसॉरस सैन्युएनेंसिस रहता था क्रिटेशियस पीरियड के अंतिम भाग में, टिरानोसॉरस रेक्स के साथ एक ही पर्यावरण में। 51.8 टन का यह सॉरोपॉड इतना बड़ा था कि टीरेक्स से इसको ज्यादा डर नहीं था। हमें अब तक ये पता नहीं चला है कि टीरेक्स झुंड में शिकार करता था या नहीं, पर टीरेक्स के एक झुंड से एलामोसॉरस को तो खतरा बिल्कुल था। टाइटन मेयोरम का वजन था 56.6 टन और ये खोजा गया है, जी हाँ, फिर से साउथ अमेरिका से। अर्जेंटीना से इस डायनासोर के 6 इंडिविजुअल के फॉसिल्स पाए गए थे, पर अजीब बात ये है कि ये 6 डायनासोर्स एक समय में नहीं मरे थे, पर ये एक ही जगह में आकर क्यों मरे ये अब भी रहस्य है। पर ऐसा भी हो सकता है कि आज के हाथियों की तरह कुछ सॉरोपॉड डायनासोर्स भी अपने रिश्तेदारों के मरने की जगह हर साल वापस जाते थे। मैं नहीं रो रहा, आप रो रहे हो। पुएर्टोसॉरस 50 टन वालों का राजा है, अपना 58.75 टन का वजन लेकर, और ये रहता था, जी हाँ, फिर से साउथ अमेरिका में। मेसोजोइक एरा का साउथ अमेरिका, खासकर अर्जेंटीना, आपको बहुत छोटा और इनसिग्निफिकेंट फील करा सकता है। अर्जेंटीना में जायंट्स पैदा होते हैं आज भी। 60 टन वालों के लिस्ट में सिर्फ एक ही सॉरोपॉड आएगा और ये ना थोड़ा सा अजीब है। ब्रेविपैरोपस सिर्फ कुछ पैरों के निशान से जाने गए हैं जो अफ्रीका के मोरक्को में मिले हैं। फुटप्रिंट से साइज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है और ज्यादा भरोसेमंद भी नहीं है, मगर अब तक तो साइंटिस्ट का यही मानना है कि ये 33.5 मीटर लंबा और वजन में 62 टन का था। नॉट बैड फॉर अ फुटप्रिंट, नॉट बैड एट ऑल। इसके बाद 70 टन का वजन लेकर आता है मेमेंचिसोरस का एक दूसरा प्रजाति, मेमेंचिसोरस साइनोकैनाडोरम। पर ये असल में मेमेंचिसोरस है भी या नहीं इसको लेकर संदेह है। इसके दो बड़े बड़े रीढ़ की हड्डियां मिले हैं और मेमेंचिसोरस हो ना हो, जिस जानवर का ये हड्डी था उसका वजन करीब 70 टन के आसपास ही था। स्पेन से कुछ पैरों के निशान मिले हैं और जिस प्राणी ने इन्हें बनाया उसको द स्पेनिश जायंट नाम से पुकारा जाता है। ये शायद ब्रैकियोसॉरस का करीब रिश्तेदार था और वजन में शायद 71 टन के आसपास होता था। एक और इक्नोटैक्सन है जिनके फुटप्रिंट्स ऑस्ट्रेलिया से पाए गए हैं। इक्नोटैक्सन उन प्राणियों को कहा जाता है जिनके सिर्फ पैरों के निशान के अवशेष मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रूम सैंडस्टोन नाम के पत्थरों में एक विशालकाय सॉरोपॉड का पैरों के निशान मिले हैं, जो साइंटिस्ट्स के मुताबिक वजन में 75 टन के आसपास था। पर 75 टन वजन का सबसे फेमस टाइटानोसॉर है अर्जेंटिनोसॉरस ह्यूइनकिलेंसिस। अर्जेंटीना से खोजा गया यह डायनासोर सबसे बड़ा डायनासोर है जिसके कई सारे फॉसिल्स मिले हैं और वजन ठीक से कैलकुलेट किया जा सकता है। इस विशालकाय जानवर के पर्यावरण में एक बड़ा सा मांसाहारी भी था, मैपुसोरस, और जो शायद झुंड में शिकार करके अर्जेंटिनोसॉरस के डर का कारण भी बन सकता था। मंगोलिया से एक टाइटानोसॉर का बस फुटप्रिंट ही मिले हैं, जिसका वजन 75 टन के आसपास हो सकता है, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अब चीजें और भी अजीब बनने वाले हैं। एक 1.75 मीटर लंबा आधा फीमर मिला है दक्षिण अमेरिका से, जो असलियत में 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। ये फीमर अर्जेंटिनोसॉरस का हो सकता है,
पर कोई ठोस सबूत है नहीं, लेकिन जिस प्राणी का यह हड्डी है उसका वजन 88 टन के आसपास है। अगर आप सौरभ और डायनासोर में इंटरेस्टेड हो तो इस खोया हुआ डायनासोर का नाम आपने जरूर सुना। पेश है मैराप्यूनिसोरस फ्रैजिलिमस, जिसे पहले एम्फीसीलियस फ्रैजिलिमस बोला जाता था। 150 साल पहले इसका एक बड़ा सा रीड की हड्डी मिली एडवर्ड ड्रिंकर कोप को। उन्होंने इसे एक डिप्लोडोकिड सौरपॉड डायनासोर समझकर डिस्क्राइब किया, लेकिन बाद में इसका फॉसिल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। रह गए बस कोप के द्वारा किए गए ड्रॉइंग। 2018 में इसे एक दूसरा परिवार रेपैचिसोरिडे के अंदर रखा गया, पर फिर भी ये बेहद बड़ा डायनासोर है। इसका वजन लगभग 89 टन के आसपास था, पर इसका फॉसिल नष्ट हो जाने की वजह से पूरी गारंटी के साथ इसका वजन भी नहीं बताया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ऐसे सौरोपोड डायनासोर का जिसका वजन 100 टन से भी ज्यादा है, 100 टन से भी ज्यादा, और आज तक ऐसा बस एक ही प्राणी खोजा गया है। जी हाँ, द वन द ओनली द भारत का टाइटन बृहत कायोसोरस। कुछ साल पहले भी इसके अस्तित्व को लेकर कोई गारंटी नहीं थी, मगर दो नए पेपर्स और कुछ नए फोटोग्राफ्स ने यह साबित किया है कि शायद यह सच में एक बेहद विशाल काय सौरपोड डायनासोर था। इसका वजन साइंटिस्ट के द्वारा 110 से 120 टन तक बताया गया है, जो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये उस समय के भारत में रहता था जो एक आईलैंड था। तो इस डायनासोर का ऐसा साइज आइलैंड जाइगेंटिज्म का परिणाम भी हो सकता है। अब यह आइलैंड जाइगेंटिज्म क्या होता है? दरअसल ये एक बायोलॉजिकल घटना है जहां पर आइलैंड में रहने वाले कुछ प्रजाति मेनलैंड में रहने वाले सिमिलर प्रजातियों से साइज में कुछ ज्यादा बड़े हो जाते हैं। शायद बृहत कायोसोरस के केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा साइज लेकर ये कौन सी शिकारी से बच रहा था? क्या भारत में उस समय कोई बेहद बड़ा सा शिकारी थेरोपोड डायनासोर भी था? अब तक तो हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। बृहत कायोसोरस को लेकर मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बनाए हैं बहुत डिटेल में। उनमें से एक वीडियो तो डायरेक्ट साइंटिस्ट के साथ इंटरव्यू है, तो उन दोनों वीडियोस को आप जरूर देखिए। इस डायनासोर की पूरी कहानी आप जान जाएंगे उन दोनों वीडियोस को देखकर। अपने 100 टन से ज्यादा भारी शरीर को लेकर ये एक अडल्ट फीमेल ब्लू व्हेल जितना भारी था। शायद यही था पृथ्वी का सबसे बड़ा डायनासोर जो रहता था हमारे देश में, भारत में। मगर साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि दूसरे तरीकों से कैलकुलेट करने पर 200 टन के भी सौरोपोड्स होने का संभावना है, पर ऐसा कोई फॉसिल आज तक नहीं मिला है। नए नए फॉसिल्स का डिस्कवरी के साथ साथ ये साइज एस्टिमेट बदल भी सकते हैं। मगर एक बात तो मानना पड़ेगा, मेसोजोइक एरा में सौरोपोड डायनासोर जो विशाल साइज में विकसित हुए थे, 6 करोड़ 60 लाख साल बीत जाने के बाद भी एक भी जमीन पर चलने वाला जानवर उतना बड़ा नहीं बन सका। तो इस बड़े बड़े डायनासोर के बारे में बड़ा सा वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में बड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए, और बड़े बड़े लाइक्स कीजिए। और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए बृहत कायोसोरस जैसे जमीन पर चलता था ना जितने जोर से, उतने ही जोर से अब सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दीजिए, और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा डायनासोर शायद हमारे देश में ही रहता था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।